नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है साइंस विद हेमंत राठौर। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा न्यूरॉन या नर्व सेल है। इस नर्व सेल में जो सबसे पहला पार्ट है वो है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना। नेक्स्ट जो है वो है सेल बॉडी। ये जो पूरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेल बॉडी। और सेल बॉडी के अंदर वो सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सेल बॉडी का वर्क होता है ऑर्गेनाइज एंड कीप सेल फंक्शन। ओके, तो इसका काम क्या होता है, सेल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना और उसे बनाए रखना। इसके बाद होता है नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटेक्ट द सेल, ओके, या सेल को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक या पार्ट देख सकते हो, एक्सॉन हिलॉक है जो सेल बॉडी और एक्सॉन के बीच में है। एक्सॉन हिलॉक ये क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है न्यूरॉन के लिए। ठीक है, हमको पता है कि नर्व सेल के अंदर जो मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है या ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, इम्पल्स के थ्रू होता है। ओके, केमिकल इम्पल्स जो रहती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस एंड पर जाकर फिर से केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। आगे आप देखते हैं नॉड ऑफ रेनवियर। नॉड ऑफ रेनवियर का वर्क होता है ये डिफ्यूजन को अलाउ करता है। किसके डिफ्यूजन को, आयंस के डिफ्यूजन को अलाउ करता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो श्वान सेल है। श्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीट को प्रोड्यूस करता है। और एक्सॉन जिसे आप देखते हो यहाँ पर सेल बॉडी और नर्व एंडिंग के बीच में, ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है, एक्सॉन क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये न्यूरॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल का ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसफर करता है। एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के हाथ में पूरे कंट्रोल होता है या सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी चलती है उन एक्टिविटी को कंट्रोल करने की पावर न्यूक्लियस के हाथ में होती है। अब चलिए आगे देखते हैं हम माइलिन शीथ के बारे में। माइलिन शीथ क्या करता है, माइलिन शीथ ये इंक्रीज करता है किसको, स्पीड ऑफ सिग्नल को। और एक्सॉन टर्मिनल जो रहता है, एक्सॉन टर्मिनल फॉर्म्स जंक्शंस विथ अदर सेल्स, इज इट क्लियर, तो अदर सेल्स के साथ जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूरॉन। कल हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।